हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू ईवीएस क्लासेस। इन ईवीएस टुडे यू हैव टू राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5। चैप्टर नेम इज आई नीड फूड। लेट अस डिस्कस द वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज वाटर। वाटर मीन्स जल या पानी। वंडरफुल। सेकेंड वर्ड इज वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, आश्चर्य से भरा हुआ। गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स उपहार, या जिसको कह सकते हैं उपहार या प्रेजेंट। नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, या नेचर मतलब स्वभाव ही होता है, लेकिन इसमें बुक में, इस चैप्टर में नेचर का मतलब है प्रकृति। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव। सजीव मतलब वे सारी वस्तुएं जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, जो सांस लेती हो, बढ़ती हो, अपने ही जैसे संतति को जन्म देती हो, जिसको जीवित रहने के लिए खाने की ज़रूरत हो, तो वे सारे थिंग्स हम, उन सबको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं या लिविंग बींग्स कहते हैं। लिविंग बींग्स मतलब सजीव। नेक्स्ट वर्ड इज स्टे एलिव। स्टे एलिव का मतलब होता है, स्टे मतलब रहना, एलिव मतलब जीवित। स्टे एलिव मतलब जीवित रहना। इमेजिन। इमेजिन करना मतलब कल्पना करना। हैपन मतलब घटित हुआ, कोई चीज़ होने को या घटित होने को हम हैपन कहते हैं। बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। नीड। नीड मतलब आवश्यकता या जरूरत। एक्टिविटीज मतलब क्रियाएं। एक्टिविटी मतलब क्रिया, एक्टिविटीज मतलब क्रियाएं। सोर्सेस मतलब होता है स्रोत। रीचेस। रीचेस मतलब पहुंचता है। रीच मतलब पहुंचना, रीचेस मतलब पहुंचता है। लेक मतलब झील। सेंट मतलब भेजा। प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण। कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया, एक जगह जमा किया किसी चीज़ को। टैप्स। टैप्स मतलब नल। वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, पानी जो है गर्म होकर जलवाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। तो वाटर वेपर मतलब होता है जलवाष्प। बीकॉम मतलब हो जाना। हैवी का मतलब होता है भारी। रेन मतलब वर्षा। एक पेज और है वर्ड मीनिंग। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद कॉपी पे लिख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं कैपिटल में लिखे गए हैं, और फर्स्ट पेज पे जो वर्ड्स लिखे गए थे वो स्मॉल लेटर में लिखे गए थे। तो आप दोनों को, इसको भी कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, या फिर ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसको भी आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब एक ही जैसा लिखेंगे, दो अलग अलग तरीके से नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया है वैसे नहीं लिखेंगे आप। या तो दोनों पेज के वर्ड मीनिंग को कैपिटल में लिखेंगे, या फिर फर्स्ट वर्ड कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। सनलाइट। सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश। वाटर साइकिल मतलब जल चक्र। सीज। सीज मतलब समुद्र, बहुत सारे समुद्र को कहेंगे सीज। रिवर्स मतलब नदियाँ। पॉन्ड मतलब, पॉन्ड्स मतलब तालाब। पॉन्ड मतलब एक तालाब, पॉन्ड्स मतलब एक से ज़्यादा तालाब। सन रेज मतलब सूर्य की किरणें। चेंजेस मतलब बदलता है। टीनी या टाइनी, इसका मतलब होता है छोटा। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब जल की बूंदे। रेन मतलब वर्षा। देखिए रेन दो बार हो गया, फर्स्ट पेज में भी रेन हो गया, तो इस वाले रेन को आप नहीं लिखेंगे। प्रोसेस मतलब क्रियाएं। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण, पानी का भाप में बदलना, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। कंडेंसेशन मतलब संघनन, भाप का ठंडा होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाना, उसको हम कहते हैं संघनन। बकेट्स मतलब बाल्टी। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। टम्बलर मतलब ग्लास। बाउल मतलब कटोरा। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किया। शेप मतलब आकार। फॉलिंग का मतलब होता है दूषित होना। आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का होमवर्क है, आपको ये वर्ड मीनिंग कॉपी पे लिखना है और याद करना है। थैंक यू।